हेलो एवरीबॉडी, रूबी जोसेफ हियर। हेलो सभी लोगों, रूबी जोसेफ यहाँ पे है। आई एम सो हैप्पी टू मीट यू ऑल। मैं बहुत खुश हूँ आप सबों से मिलने के लिए। आई एम सो हैप्पी दैट यू आर लिसनिंग एंड लर्निंग हाउ सेटन वर्क्स। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सुन रहे हैं और आप ये सीख रहे हैं कि शैतान किस तरह से काम करता है। एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू प्रे इन अ राइट वे। और ये सारी चीज़ें आपको बताएगा और सिखाएगा कि किस तरह से हमने सही तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट सेटन एंड द क्राउनिंग सेरेमनी, हाउ ही डज द क्राउनिंग सेरेमनी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सैतान खुदा यीशु मसीह का जो ताज मुकुट का जो काम है, वो सेरेमनी है, वो कैसे बनाता है, वो आपको आज हम उसके बारे में बताएंगे। इन द बुक ऑफ लुक 22 थर्ड एंड फोर्थ वर्स इट इज सेड, लुका 22वां अध्याय है, तीसरा और चौथा में लिखा है, देन सेटन एंटर्ड इनटू जूडास इस्करियोट बीइंग ऑफ द नंबर ऑफ द 12। उसके बाद में शैतान जूडास में के शरीर में घुस गया और जो उन 12 शिष्यों में से एक था। एंड जूडास इस्करियोट वेंट टू द चीफ प्रीस्ट टू बिट्रे हिम अनटू देम। और उसके बाद में जूडास वो जो मुख्य याजक है उनके पास में गया ताकि वो खुदा यीशु मसीह को बेच सके, उसका मोल कर सके। ना दिस इज द लास्ट टाइम यस्टरडे आई स्पोक टू यू दैट सेटन ही डज द क्राउनिंग सेरेमनी। मैंने आपको कल कहा कि सैतान क्राउनिंग यानी मुकुट डालने का सेरेमनी करता है। एंड फॉर जीसस ऑल्सो ही इज द वन हु इज डूइंग इट। इट इज नॉट जूडास, बट जूडास वॉज लेड बाय सेटन। ये जो खुदा यीशु मसीह का भी क्राउनिंग सेरेमनी है, वो जूडास के अंदर से शैतान काम करता है। एंड वी विल ऑल्सो सी एंड दैट मीन्स नो इट इज सो मच हॉरिबल दैट दे आफ्टर जीसस वॉज टेकन बाय द प्रीस्ट एंड दे ही थ्रू आउट द नाइट वॉज टॉर्चर्ड। खुदा यीशु मसीह को पकड़ा गया और उसको रात भर उसको सताया गया। इन मैथ्यूस 27:29-30 इट सेज, एंड व्हेन दे हैड प्लेटेड ए क्राउन ऑफ थॉर्न्स दे पुट इट अपॉन हिज हेड। और उसमें मत्ती 27:29 में दिया है कि जब वो लोगों ने ए जो मुकुट कांटे का मुकुट बनाया, फिर उसके बाद में उन्होंने उसके सिर पर रखा एंड दे स्पिट अपॉन हिम एंड टुक द रीड एंड स्ट्रोक हिम ऑन द हेड। और उन्होंने ये उसके मुंह पे थूका और एक लकड़ी लिया और उसके सर पे वो मारना चालू किया। यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट व्हेन माय सिस्टर इन लॉ शी वाज फुल्ली अंडर इंटॉक्सिकेशन द सेटन ही वॉज बीटिंग ऑन हर हेड। कल मैंने आपसे बताया कि सैतान जब मेरी भाभी पूरा वक्त बेहोश थी, तब उस सैतान उसके मुंह पे सर पे उसको मार रहा था। द सेम वे सेटन इज मेकिंग पीपल टू बीट जीसस एंड टू इंसर्ट द क्राउन इन ए वेरी क्रूअल वे। उसी प्रकार से सैतान वो लोगों को उसका रहा उसकाया ताकि वो मार मार के और मुकुट उसके सर में घुसा सके, डाल सके। इट्स सो हॉरिबल। आज फिर बाद में दिया है कि इन मैथ्यूस 27:34 एंड साम 69:21 दे गेव मी ऑल्सो गाल फॉर माई फॉर मीट एंड इन माई थर्स्ट दे गेव मी विनीगर टू ड्रिंक। और उसमें दिया है मत्ती 27:34 में और भजन संहिता 59:69
21 में दिया ला है दे गे उन्होंने मुझे गॉल जो एक पे है वो दिया है और मुझे उसके साथ विनीगर में डाल के मुझे दिया है व्हेन गॉल इज मिक्स्ड इन विनीगर इट बिकम्स इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक जब ये गाल जो पेय है वो जब उसमें विनीगर में मिलाया जाता है तब वो एक नशा का पदार्थ बन जाता है नशा का ड्रिंक बनता है देन अदर आफ्टर व्हेन दे गिव इट टू द पीपल दोज हु आर क्रूसिफाइड जो लोगों को क्रूस पे टांगा जाता है उनको जब ये देते हैं द पर्सन मूव्स दे डोंट नो हाउ दे आर मूविंग बट दे मूव इन सच ए वे दैट देयर हैंड्स एंड फीट स्किन बिगेन टू टेयर और वो लोग इतना ऐसा नशे में ऐसा हिलते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता कि वो कैसे हिल रहे हैं और उनके हाथ के जो मांस फटना चालू करते हैं और पैर का मांस भी फटना चालू करता है एंड yesterday also told you that when the drink was given to my sister-in-law, she lost all her conscious. मैंने कल आपको बताया है कि जब वो पेय मेरी भाभी को दिया तो वो पूरा अपना याददाश्त खो चुकी थी यानी भूल देख में पूरा नशे में थी वो She had no idea that this lizard on that not lizard but crocodile was sitting on her, was beating her, scratching her and harming her. उसको पता भी नहीं था कि उसको ये जो मगरमच्छ उसके ऊपर था वो उसको मार रहा है उसको नोच रहा है उसके बदन पूरा बर्बाद कर रहा है सेम वे They did for Jesus Christ. इसी प्रकार से उन्होंने खुदा यीशु मसीह के साथ में भी किया. Satan he will never or the only the thing is that he removed the crown and all the ornaments from my sister-in-law with a flick of a finger. उसने जो मेरा भाभी के शरीर पे से और वो मुकुट उसने निकाला एक चुटकी में बजाने के बाद में But for Jesus, the crown was not removed until he was dead. लेकिन जो खुदा यीशु मसीह का जो मुकुट है जब तक कि वो मर नहीं गया तब तक वो मुकुट निकला नहीं After his death, they removed him and cleaned him and gave him garment. He was made naked on the cross. उसको उस क्रूस पर नंगा कर दिया गया था और and thereafter After his death, they cleaned him and put him in the grave. और उसको मरने के बाद में उसको साफ किया और उसको उनकी कब्र में रख दिया. And Jesus he said, in Revelation, it is written in Revelation 3:17 and 18, I counsel thee to buy of me gold tried in fire, that thou mayest be rich. खुदा कहता है मैं तुमको एक प्लान देता हूँ आइडिया देता हूँ कि तुम मेरे पास से सोना खरीदी करो ताकि तुम बहुत अमीर बनोगे एंड वाइट रेमेंट दैट द मेस बी क्लोथ सफ़ेद पोशाक मैं तुमको दूंगा ताकि तुम्हारे जिस्म वस्त्र से भरा रहे एंड द शेम ऑफ द नेकेडनेस डू नॉट अपियर और तुम्हारा नंगापन किसी को नजर नहीं आए एंड अनॉइंट एन आईज विद आई सेव्स That thou may see, और अपनी आँखों में काजल लगा ताकि तुम्हारी आँखें देख सकें. Jesus was when he was crucified, he was made naked. जब खुदा ने यीशु मसीह को crucify किया, उसको नंगा कर दिया है. When Eve sinned in the Garden of Eden, the glorious clothing left Adam and Eve. जब आदम और हवा ने पाप किया तो जो एकदम ग्लोरी के जो लाइट के जो वस्त्र उनके पास थे वो निकल गए एंड देन दे केम टू नो दैट दे आर नेकेड उसमें उसके बाद में उनको पता चला कि वो नग्न है फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स टिल डेट सैटन इज मेकिंग ह्यूमंस नेकेड वहाँ से आज तक सैतान लोगों को नंगा ही करते जाता है And to stop it, Jesus became naked on the cross. और उसके बंद करने के लिए खुदा यीशु मसीह ने क्रॉस पे नग्न होने के लिए भी तैयार हो गया. And he says, and I will give you an anointing, काजल, I slaves,
मैं तुमको काजल दूंगा. व्हेन सैटन गिव्स काजल इट इज सेम लाइक वी बाय फ्रॉम द शॉप पर. जो सैटन जो काजल देता है वो हम दुकान में जैसे लेते हैं वैसा ही होता है. ओनली थिंग इज दैट इट इज एन्चेंटेड. उसका एक ही फर्क है कि वो उसमें मंत्र मारा होता है. बट एंड सिल्क आई स्लीव्स विच जीसस गिव्स इट इज वी इट इज नॉट ब्रॉट इट इज नॉट ब्रॉट फ्रॉम एनी वेयर. बट द मोर यू गो इन प्रेयर जीसस applies it in our eyes so that we can see more deeper things. जब हम ये जो खुदा यीशु मसीह का जो काजल है वो किसी भी दुकान से नहीं मिलता है, लेकिन जितना हम प्रार्थना में जाते हैं उस समय खुदा यीशु मसीह हमारे आँखों में वो काजल लगाता है ताकि हम और भी गहराई में उसे देख सके और बहुत सारी चीज़ों को हम जान सके. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जीसस एंड बिटवीन सैटन. ये जो अलग सैतन यीशु मसीह के इसमें और सैतन के इसमें ये अलग अलग है. बी केयरफुल वॉट यू आर डूइंग. तुम क्या कर रहे हो उस पर ध्यान रखो. ही डज नॉट लिव एंड शी डिड नॉट डाई जस्ट बट ही रोज अगेन ऑन द थर्ड डे. खुदा यीशु मसीह फिर से दोबारा तीसरे दिन जी उठाए. ही इज नो मोर इन द ग्रेव. वो कब्र में नहीं है. ही इज अलाइव. वो जिंदा है. एंड ही इज सिंग लिविंग इन यू एंड इन मी. हिज ब्रेथ इज देयर इन यू एंड इन मी. उसकी जो सांस है वो हमारे अंदर है. सो टुमारो आई स्पीक टू यू मोर ऑन द क्राउनिंग टॉपिक. कल मैं आपसे और भी इस मुकुट के बारे में और भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अलग से अलग तरीके से बट इन अनदर वे. All these things Jesus is giving me, is making me to speak to you. ये सारी चीजें खुदा यीशु मसीह मुझे कहते हैं आपको बोलने के लिए. So I'm doing it. Love you. Bye.